हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिथिलेश ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कंप्यूटर या लैपटॉप में बहुत से आप शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल शॉर्टकट कीज़ के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप कीबोर्ड के शिफ्ट की को 5 बार अगर आप प्रेस करते हैं तो आपके स्क्रीन पर स्टिकी कीज़ को एक्टिवेट करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि स्टिकी कीज़ क्या होती है, स्टिकी कीज को क्यों बनाया गया है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसको एक्टिवेट करते हैं, कैसे इसको इनएक्टिवेट करते हैं, ये टोटल जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं और कंप्यूटर और लैपटॉप से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और आपको हम बताते हैं कि स्टिकी कीज क्या होती है, उसको कैसे यूज करते हैं। देख पा रहे हैं, इस समय मैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे आ चुका हूं और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टिकी कीज को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो स्टिकी कीज को एक्टिवेट करने के लिए कीबोर्ड के अंदर जो शिफ्ट है इसको हम 5 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टिकी कीज़ एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप यस कर देंगे तो स्टिकी कीज़ एक्टिवेट हो जाएगी। आप कैसे जानेंगे कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में स्टिकी कीज़ एक्टिवेट है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 कीज़ का यहाँ पे वाइट कलर में आप देख पा रहे हैं, ये स्टिकी कीज़ है। अगर मैं यहाँ पे माउस को ले जाता हूँ तो ये स्टिकी कीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा आ रहा है। इसके बाद हम जानते हैं कि कीबोर्ड के अंदर किन 4 कीज़ को स्टिकी कीज़ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल, विंडोज़, आल्टर और शिफ्ट, एक बार पुनः बताना चाहूँगा, कंट्रोल, विंडोज़, आल्टर और शिफ्ट को स्टिकी कीज़ के नाम से जानते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर स्टिकी कीज़ को डीएक्टिवेट करना हो तो कैसे करेंगे। आप किन्हीं 2 स्टिकी कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो ये हमारा स्टिकी कीज़ जो आइकन जो हमारा टास्क बार पे, ये यहाँ से गायब हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ। तो कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ प्रेस करता हूँ तो देख पा रहे हैं ये चीज़ हमारा स्टिकी कीज़ यहाँ से डिसअपीयर हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है। अब हम बात करते हैं कि स्टिकी कीज़ को क्यों यूज़ करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों, अगर किसी को कीबोर्ड के 2 कीज़ को एक साथ प्रेस करने में अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर किसी को कंट्रोल सी प्रेस करना है तो हम कंट्रोल यहाँ से प्रेस कर रहे हैं, सी यहाँ कर रहे हैं, अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल के साथ भी प्रेस करें, यहाँ पर हम दोनों उंगुलियों को यूज़ में ला रहे हैं, तो स्टिकी कीज़ के माध्यम से हम सिर्फ सिंगल फिंगर के माध्यम से हम कट, कॉपी, पेस्ट को कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे एमएस वर्ड का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख पा रहा हमारा रैंडम फंक्शन है, कुछ पैराग्राफ को फास्ट लिख लेते हैं। तो रैंडम फंक्शन के माध्यम से देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ आ चुका है। अगर ये पूरे टेक्स्ट को हमको कॉपी करना है तो कॉपी करने का पुराना तरीका जानते हैं, कंट्रोल के साथ ए करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल के साथ सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम दोनों दो उंगलियों को एक साथ यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसी काम को हम किस तरह से स्टिकी कीज़ के माध्यम से करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप स्टिकी कीज़ को एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5, तो देख पा रहे हैं स्टिकी कीज़ परमिशन मांगा जा रहा है, यहाँ पर आपको यस कर देना है। अब यहाँ पे जैसे हमको इसको सेलेक्ट करना तो यहाँ पे कंट्रोल यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे कंट्रोल एक हमारा कीज़ यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ पे ए प्रेस करेंगे तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं एक कीज़ को प्रेस करने पर ये सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको कॉपी करना है तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे अगर ये कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर पहले से सेलेक्ट हो चुका है। अब कॉपी करना हम सिर्फ सी प्रेस करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं इसकी कॉपी हो चुकी है। अब इसको कहाँ पे हमको पेस्ट करना है, पेस्ट करने के लिए हमको कंट्रोल भी करना है, तो पुनः यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो आप देख पा रहे हैं आवाज़ के साथ यहाँ पे कंट्रोल सेलेक्ट हो चुका है। और सिर्फ भी करेंगे तो जो भी पैराग्राफ है इसका डुप्लीकेट पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। मैं भी करके दिखाता हूँ, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे कॉपी हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से स्टिकी कीज़ को यूज़ करते हैं और स्टिकी कीज़ को बनाने के पीछे जो मेन उद्देश्य था कि अगर किसी को दोनों हाथ से कीबोर्ड को चलाने में दिक्कत है तो सिंगल फिंगर से वो कैसे अपने काम को कर पाएंगे, इसीलिए स्टिकी कीज़ को यूज़ में लाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अगर कोई गेम खेलता है और बार बार अगर शिफ्ट कीज़ को अगर प्रेस करता है तो स्टिकी कीज़ ऑन हो जाएगी। तो आप किस तरह से स्टिकी कीज़ को किस तरह से आप डीएक्टिवेट करेंगे कि आप 5 बार आप शिफ्ट कीज़ को प्रेस करने के बावजूद भी आपका स्टिकी कीज़ ऑन नहीं होगा। तो सबसे पहले विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप कंट्रोल लिखेंगे, कंट्रोल लिखने के बाद यहाँ पे इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कंट्रोल पैनल यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है। कंट्रोल पैनल को आप यहाँ पे स्टार्ट से भी आप सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, इस पे आपको क्लिक करना है। Always scan this section. क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट सेटिंग फॉर कीबोर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेटअप स्टिकी कीज दिया, इस पे आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, टर्न ऑन स्टिकी कीज व्हेन शिफ्ट की इज प्रेस 5 टाइम, 5 बार जब प्रेस किया जाए तो स्टिकी कीज एक्टिवेट हो जाए। आपको क्या करना है, ये जो सही का निशान है इसको आपको हटा देना है और इसको क्लोज कर देना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं, अगर इसके बाद हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तब भी हमारा स्टिकी कीज एक्टिवेट नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।